नमस्कार देवी और सज्जनों, आप सभी का स्वागत है इस अद्भुत खेल में जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। सो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ऊपर एक रुपए के लिए ये रहा, हु इज द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में सबसे बुद्धि वाला इंसान कौन है? ऑप्शन ए टोनी स्टार्क, ऑप्शन बी ब्लैक पैंथर की बेन शुरी, ऑप्शन सी दोनों सेम इंटेलिजेंट है, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव कोई और किरदार है। What? What the? सो आप ये पूछेंगे कि कौन बनेगा करोड़पति में मार्वल का सवाल कैसे आया? तो ये तो अमिताभ बच्चन यानी कि मेरी इच्छा हुई ना। हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द मार्वल आर्टिस्ट के एक और नए वीडियो में। सो आज का टॉपिक तो आपको पता चल ही गया होगा कि हु इज द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, टोनी स्टार्क या शुरी। तो बिना आपके पिछले टाइम को वेस्ट करें लेट्स बिगिन। अरे हटाओ रे ये ब्लेजर बेहुदा शर्ट। सो गाइज, ये क्वेश्चन बहुत पहले का है और एक इंटरव्यू में रूसो ब्रदर्स ने इसका आंसर भी दिया है, तो वही आप सुन लो। शुरी इज द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द मार्वल यूनिवर्स। She is the sister of T'Challa, a princess of Wakanda, and she is the brains behind Wakanda's incredibly advanced technology. Chalo to fir mil gaya answer. Bye bye. Thanks for watching. Next time. Ruko ruko zara. So ye to thi Russo brothers ki baat hai, par unki baat manna to ek paap hai. क्योंकि मूवी के पहले वो बोलते हैं कि मूवी का नाम एंड गेम नहीं होगा और फिर बाद में एंड गेम ही निकलता है। तो क्या रूसो ब्रदर्स की बात ये सच थी या फिर ये एक ब्लैक पैंथर का हाइप बढ़ाने की साजिश? सो गाइस, शुरी ने 18 की एज में बनाए नो साउंड शूज, सोनिक ब्लास्टर्स और पैंथर हैबिट जो है ब्लैक पैंथर का सूट और बहुत सारी चीजें। और टोनी स्टार्क ने 16 इयर्स की उम्र में एक डम यू 2 बनाया था जो एक एआई प्लस एक हेल्पिंग हैंड था। तो और यहाँ गौर करने की बात यह है कि उस टाइम पे जब टोनी स्टार्क ने डम यू 2 बनाया था तब एआई और टेक्नोलॉजी के नाम पे कुछ नहीं था। और ये तो फैक्ट हम भूल ही रहे हैं कि 4 साल में फॉर सर्किट बोर्ड और 6 साल की उम्र में उन्होंने एक इंजन भी बनाया था। और मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि ये जो हमने ब्लैक पैंथर में शेप्स और वो सब देखा, वो सब कुछ शुरी ने नहीं बनाया है। इसके पहले जो वकांडा का टेक्नोलॉजी हेड था उन्होंने ये सब चीजें बनाई है। अब हम टेक्नोलॉजी के अंदर एक सब हेडिंग नैनो सूट्स में कंपेयर करेंगे जिसमें आएगा ब्लैक पैंथर का ब्लैक पैंथर हैबिट जो उन्होंने इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में यूज किया, और टोनी स्टार्क का मार्क 50 और मार्क 85 जो भी उन्होंने इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में यूज किया था। सो यहाँ पे टोनी स्टार्क का सूट एक आर्क रिएक्टर में ही आ जाता है, तो वहां पे पैंथर हैबिट एक नेकलेस में ही आ जाता है। सो दोनों को कैरी करना तो बहुत ईजी है, पर जहां ब्लैक पैंथर का सूट सिर्फ डिफेंसिव मोड के लिए ही बना है, वहां पे टोनी स्टार्क का सूट दोनों ऑफेंसिव और डिफेंसिव मोड के लिए बना है। सो सूट्स के मामले में टोनी स्टार्क ही जीतता है। सो टेक्नोलॉजी में एक और सब हेडिंग है मेडिकल, तो उसमें भी हम थोड़ी बात कर लेते हैं। सो मेडिकल में ऐसा है कि शुरी ने ब्लैक पैंथर मूवी में एक बुलेट वाउंड को एक ही दिन में हील कर दिया था। और पर रुको, टोनी स्टार्क ने हल्क का हाथ जो इन्फिनिटी गॉन्टलेट के 6 इन्फिनिटी स्टोन से डैमेज हुआ था उसको 10 सेकेंड्स में ही ठीक कर दिया था, पार्शियली ठीक कर दिया था, पर वो एक कॉन्टिनेंट को ब्लो करने की एनर्जी से डैमेज हुआ था। सो इसमें हम टोनी स्टार्क को मार्क्स देंगे, पर हमें शुरी की और एबिलिटीज ऑफ टेक्नोलॉजी इन मेडिकल को पता नहीं है, सो हम इसमें इक्वल मार्क्स काउंट कर सकते हैं। सो अब हम आते हैं दूसरे सब टॉपिक ऑफ टेक्नोलॉजी में जिसका नाम है टेक्नोलॉजी इन हैंड,
मतलब कौन सी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। सो इसमें तो जाहिर है कि शुरी ही जीतेगी, क्योंकि वकांडा की टेक्नोलॉजी आउटर वर्ल्ड से बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड है। सो इसमें जीतती है शुरी मैडम। सो एक्सपीरियंस में टोनी स्टार्क को 2008 से 2019 तक का एक्सपीरियंस से आयरनमैन बनेगा, और उसे वो एक्सपीरियंस से कैसे गलतियों से सीखता है वो भी हमने मूवीज में देखा है कि वो अपनी गलतियों से सीख के सूट्स में अपग्रेड लाता है। पर रुको, हमने शुरी को उतना देखा तक नहीं है, और मैं एक चीज नोटिस की है कि उसने ब्लैक पैंथर के ये सोनिक ब्लास्टर्स से इन्फिनिटी वॉर के ये सोनिक ब्लास्टर्स में अपग्रेड किया था। सो और उसने ये भी बोला था, सो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि शुरी भी अपग्रेड करना पसंद करती है। सो हम इसमें इक्वल मार्क्स लेंगे। सो गाइस, एक बार सारे पॉइंट्स को रैप अप कर देते हैं। टेक्नोलॉजी में तो टाई हुई थी, फिर आते हैं नैनो सूट्स में, तो इसमें जीता था हमारा टोनी स्टार्क। फिर मेडिकल में थी, और टेक्नोलॉजी इन हैंड मतलब टेक्नोलॉजी अवेलेबल में जीती थी शुरी, भी टाई हुई थी। फिर एक्सपीरियंस में भी टाई हुई थी। सो ये तो एक टाई में रिजल्ट करती है। पर रुको, फैंस का भी पूछना जरूरी है ना। तो हमें हमारा विनर साफ साफ दिखाई दे रहा है, एंड हिज नेम इज टोनी स्टार्क। चलो तो भाई लोग, टोनी स्टार्क को एक बार कॉन्ग्रेचुलेशंस कह लेते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन टोनी भैया, आप जीत चुके हो। अरे शौक में तो आप जीत चुके हो, आप सबसे होशियार हो एमसीयू में, पर आप तो मर चुके हो ना। सो अब हम आते हैं कि रूसो ब्रदर्स ने ऐसा क्यों बोला कि शुरी सबसे स्मार्टेस्ट है। तो ये पहले तो मैंने बोल ही दिया है कि वो एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है ब्लैक पैंथर का रीच बढ़ाने के लिए, और सबको उत्साह करने के लिए कि एक स्मार्टेस्ट पर्सन इस मूवी में दिखने वाला है, और इस तरह ब्लैक पैंथर बहुत अच्छी भी गई। और दूसरा रीजन ये हो सकता है कि उनको पता था कि एंड गेम में टोनी स्टार्क मरने वाला है, तो उन्होंने फ्यूचर में लिविंग पीपल में से बताया होगा। और इसमें तो कोई शक नहीं है कि शुरी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन नाउ that is living in the MCU. So, uh-oh guys, Computer G, option A, Tony Stark को lock कर दिया जाए। ये बिल्कुल सही जवाब है। अद्भुत। So that's it for today guys. Video पसंद आई हो तो क्या पूरा वीडियो बना दिया मैंने। गाइस, एक मैसेज आया कि रेड स्कल सबसे इंटेलिजेंट है, क्योंकि सोल स्टोन का कीपर बनने के बाद उसे यूनिवर्स की सारी नॉलेज मिल गई। बाय बाय, सॉरी गाइस, टाटा। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, सारे फ्रेंड्स को शेयर कर देना। बाय।